आइए शुरू करते हैं। पहले डिश होगा आपका चापा पुलुसु, विच इज फिश सिमर्ड इन अ वेरी टैंगी एंड स्पाइसी टोमेटो एंड टैमरिंड ग्रेवी। इस डिश के लिए आपको लगेगा पॉम्फ्रेट मच्छी, तेल, करी लीव्स, मेथी दाने का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, इमली का पानी, हल्दी, होल लाल मिर्च, मेथी दाना, जीरा, राई, प्याज, धनिया चॉप किया हुआ, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है चापो पुलुसु। शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इमली जितना पुराना होती है वो इमली आप चूज़ कीजिए, क्योंकि इमली इस डिश का मेन बेस इंग्रेडिएंट होती है। ऑयल पहले ऐड डालिए आप। थोड़ा ऑयल गर्म होने दीजिए। इसमें आप हल्का सा राई डालिए। राई को अच्छी तरह क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद उसमें थोड़ा जीरा, थोड़ा मेथी के दाने। मेथी के दाने हो सके तो हल्का सा कम डालिए, क्योंकि मेथी का दाने से खाना कड़वा पड़ सकती है। उसको अच्छी तरह क्रैकल होने दीजिए या टेम्पर होने दीजिए। उसमें हल्का सा लाल मिर्च डाल दीजिए और लाल मिर्च को अच्छी तरह पका दीजिए। इस डिश के लिए आपको गुंटूर सनम चिल्ली का यूज़ करना पड़ा होगा। गुंटूर सनम चिल्ली एक वेरी टिपिकल आंध्रा चिल्ली है जो गुंटूर में मिलती है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्पाइसीस्ट चिल्लीज इन द कंट्री। सो उस डिश इस चिल्ली से पूरा खाने का स्वाद ही चेंज हो जाती है। इसमें थोड़ा उसके बाद थोड़ा हल्का सा अनियन डाल दीजिए और अनियन को अच्छी तरह पका दीजिए और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट को हमेशा अच्छी तरह पकाना चाहिए, नहीं तो उसका कच्चापन नहीं निकलेगा और पूरा डिश कच्चा रह जाती है। तो हमेशा याद रखिए अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छी तरह पकाना चाहिए और उसका कच्चा फ्लेवर जो होती है वो निकालना चाहिए। चलिए अदरक लहसुन पक गया, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटर। अगर चाहिए तो इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए और टमाटर को अच्छी तरह पकाइए। इसमें आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिली, नहीं डेढ़ सारा चिली। धनिया, चिली और हल्दी को अच्छी तरह पकाइए। चाहिए तो थोड़ा पानी डाल लीजिए। दिस डिश इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट डेलिकेसी एंड इट इज यूजुअली हैड ड्यूरिंग वेडिंग्स के टाइम में। हम ये डिश बहुत बनाते हैं आंध्रा में और इस डिश का पॉपुलैरिटी अभी एकदम बढ़ गया है। It started off in Nellore, now it's considered to be a renowned speciality all over the country. And like I said, imli pani is the main ingredient in this dish mein. So, ho sake jitna ho sake utna purana imli use kijiye. Usse jo hai dish ka pura taste aur khattapan badh jati hai. And when you have it after 12 hours, wo ekdam mature hoke it gives you the best taste. And ye dish jo hai it's always eaten with steam rice and some आंध्रा स्टाइल पापड़।
एंड अ लिटिल बिट ऑफ घी. और इसको थोड़ा मैं नमक से सीजन कर रहा हूं. अभी इसको आप कम से कम 10 या 15 मिनट तक पका लीजिए, जब तक इसका हल्का सा तेल जो हमने पहले डाला है वो ऊपर आ जाए, ऊपर ना आए, जब तक आप उसको डिश को अच्छी तरह से पका दीजिए. द साइन ऑफ एनी वेल कुक्ड ग्रेवी इज दैट द ऑयल फ्लोट्स ऑन टॉप वंस इट इज कुक्ड थरोली. इसको हल्का सा सिमर पे रख के अभी इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पकते हुए, और बीच बीच में स्टर कीते जाइए. एक बार आपका डिश पक गया है और या आपका ग्रेवी रेडी है तो आप इसमें मच्छी ऐड कर दीजिए. और उसको हल्की फ्लेम पे मच्छी को पकाइए. ध्यान में रखिए मच्छी टूटना नहीं चाहिए. आप इस डिश में मैं पॉम्फ्रेट यूज कर रहा हूं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो मच्छी आपको अच्छा लगती है वो मच्छी डाल सकते हैं आप. हमेशा ध्यान रखिए कि इस डिश जब पक जाती है इसका मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेथी का पाउडर. आप इस डिश को अगर मेथी के पाउडर से फिनिश करते हैं तो इस डिश का स्वाद जो है और एनहांस हो जाती है. नाउ लेट इट सिमर फॉर अनदर 2-3 मिनट्स. Yum and spicy. Finishes off. थोड़ा करी पत्ता डाल दीजिए फिनिशिंग के लिए और थोड़ा धनिया चॉप किया हुआ और स्टर करके स्टीम राइस के साथ 12 घंटे के बाद सर्व कीजिए. And like they say in Telugu, chapa pulsu aaraginchandi.